हाई नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। हाई नेक ब्लाउज के लिए मेजरमेंट फुल लेंथ 15 इंच, अक्रॉस बैक 13 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 32 इंच, स्लीव लेंथ 5 इंच, बॉटम 10 इंच। इसी नाप के अनुसार हम हाई नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे। हाई नेक ब्लाउज जैसे हम सिंपल ब्लाउज बनाते हैं सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। जो हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे वो ही इसमें मेन है। सबसे पहले हम यहां पर लेंथ निकालेंगे, फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ हमारी 15 इंच है, सीम अलाउंस हाफ इंच रखेंगे, टर्निंग डिपेंड करती है कि आप कितनी रखना चाहते हैं, 1 इंच या 1.5 या हाफ इंच। फुल लेंथ 15 इंच, सीम अलाउंस हाफ इंच, टर्निंग 1.5, 17 इंच, 15 प्लस हाफ प्लस 1.5, 17 इंच। जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे इसी फॉर्मूले के अनुसार कपड़े पर कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर ब्लाउज की फुल लेंथ लेंगे, फुल लेंथ हमारी यहां पर 17 इंच निकल करके आई है। ये हमारे ब्लाउज की फुल लेंथ है। अब इस लेंथ में टॉप टू बॉटम हमारी 17 इंच लेंथ लोगे, 3.5 ऊपर एक्स्ट्रा लेंथ का निशान लगाओगे, 3.5। ये हम जो हाई नेक ब्लाउज बनाएंगे उसके लिए जो कॉलर लगेगी उसके लिए हम ये लेंथ से ज्यादा लेते हैं। ये हमारी यहां से यहां तक है ये लेंथ, और ये जो हमने 3.5 का एक्स्ट्रा लिया है वो आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे लिया है। अक्रॉस बैक का हाफ प्लस हाफ इंच। देखिए यहां पर हम जो तीरा लेते हैं नॉर्मली जो हमारा तीरा होता है उसका हम हाफ कर देते हैं, लेकिन हाई नेक ब्लाउज में जब हम तीरे का निशान लगाएंगे वहां पर हम अक्रॉस बैक का हाफ करेंगे प्लस हाफ इंच करेंगे। 13 का आधा किया 6.5 प्लस हाफ इज इक्वल टू 7 इंच। ये हमारी जो लेंथ लाइन है इससे आगे आएंगे हम 7 इंच पर तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान लगाने के बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल यहां पर हमने हाफ इंच प्लस किया है तब हमारा 7 इंच आया, तो 7 इंच ही हम यहां पर लेंगे, लेकिन हमारा आर्म होल का फॉर्मूला यही होता है ये जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं। अक्रॉस बैक का हाफ प्लस हाफ इंच, 13 का हाफ 6.5 प्लस हाफ इंच इज इक्वल टू 7 इंच। यहां पर हम 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये यहां से यहां तक हमारी ब्लाउज की फुल लेंथ है, लेंथ से हमने तीरे का निशान लगाया, ये आर्म होल का निशान लगाया। चेस्ट का फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंच प्लस 2 इंच, 9 प्लस 2 11 इंच। लेंथ लाइन से अंदर की तरफ हम यहां पर चेस्ट का निशान लगाएंगे 11 इंच पर। ये यहां से यहां तक हमने 11 इंच पर निशान लगाया। वेस्ट के लिए वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंच। यहां पर हम 3 इंच क्यों आए, डॉट के लिए, डॉट हम आधा आधा इंच
की अगर डालेंगे तो एक इंच, पौना पौना इंच की डालेंगे तो डेढ़ इंच। अपने डॉट की विड्थ के अनुसार हम यहां पर ऐड करेंगे, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, 8 इंच प्लस 3 इंच इज इक्वल टू 11 इंच। यहां हम लेंथ की बॉटम से अंदर की तरफ निशान लगाएंगे वेस्ट का 11 इंच पर। 11 इंच पर हमने यहां पर इस फॉर्मूले के अनुसार लिया है, क्योंकि ब्लाउज में जो डॉट डलेगी उसका भी हम कमर पर लेते हैं मार्जिन। अब इस चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से सीधा मिला देंगे। जिस तरीके से हमने यहां लेंथ, तीरा, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट लिया है, बैक के लिए भी हम यहां पर सबसे पहले लेंथ लेंगे। जितना हमने फ्रंट में तीरा लिया है 7 इंच, 7 इंच की बैक में 7 इंच, आर्म होल 11 इंच, चेस्ट और 11 इंच वेस्ट, ये हमने सभी बैक की रेखाएं ली है। बैक हमारा फोल्ड साइड है। आप अगर बैक को ओपन रखना चाहते हैं तो बैक ओपन भी रखी जा सकती है इसमें। ये फ्रंट है हमारा, फ्रंट ओपन साइड है, ये ओपन भाग है फ्रंट का, फुल लेंथ। अब हमें यहां पर नेक की विड्थ निकालनी है, चेस्ट डिवाइड बाय 12, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 इंच। फ्रंट नेक लेंथ, चेस्ट डिवाइड बाय 6, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 इंच। और बैक नेक लेंथ के लिए फ्रंट नेक लेंथ आप कम ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार भी रख सकते हैं, 6 हमारे फार्मूले के हिसाब से है। यहां पर आप 7 इंच, 8 इंच जितना रखना चाहे रख सकते हैं। बैक नेक चेस्ट डिवाइड बाय 24, 36 को 24 से डिवाइड करेंगे, 1.5 डेढ़ इंच। ये हमारे नेक लेंथ और विड्थ निकल के आई, बैक पार्ट और फ्रंट लेंथ दोनों की ही। आप कम ज्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। सबसे पहले हम यह विड्थ लेंगे, विड्थ यहां से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप कम लेना चाहें तो यह 2.5 इंच भी ले सकते हैं, फार्मूले के हिसाब से 3 इंच कम ज्यादा आप रख सकते हैं। बैक में भी 3 इंच विड्थ रखनी है नेक की, और फ्रंट में भी। नेक लेंथ फ्रंट की हमने यहां 6 इंच पर निशान लगाया। कोई भी आप शेप दीजिए, जो भी आप गोल देना चाहे, स्वीट आर्ट देना चाहे, मटका देना चाहे, कोई भी शेप आप यहां पर गले की दे सकते हैं। बैक नेक लेंथ के लिए 1.5 इंच नीचे आना है और ये हल्की सी सेव करनी है, इस 3 इंच से ऐसे मिलाना है। अब ये जो हमारे आर्म होल की रेखा है, यहां से हम 0.25 इंच डाउन आएंगे, 0.25 इंच डाउन यहां पर आएंगे, और ये जो नेक विड्थ का निशान लगाया है, इस नेक विड्थ के निशान से हम इसको डाउन करेंगे, आर्म होल को मिला देंगे यहां पर नेक विड्थ से। ये हम 0.25 इंच या फिर 0.5 इंच कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
की सेप देनी है। ये जो हमारी रेखा बची है इसका हाफ करना है, आधा इंच अंदर आना है और ये जो डाउन की हुई रेखा है इससे इसको सीधा मिलाना है, ऐसे सीधा मिला करके ये गोलाई करनी है यहां पर और चेस्ट लाइन से लाके मिलाना है। बैक आर्म होल के लिए इसके हाफ पे आना है और इसकी शेप इस प्रकार से करते हुए चेस्ट लाइन से मिलाना है। ये बैक आर्म होल की है, ये फ्रंट आर्म होल की है। अब हम फ्रंट पार्ट में डॉट डालेंगे। डॉट डालने के लिए हम बस्ट पॉइंट निकालेंगे। बस्ट पॉइंट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच, 36 चेस्ट है, 9 इंच 4 से डिवाइड करने पर प्लस 1 करेंगे इज इक्वल टू 10 इंच। लेंथ लाइन से 3.5 अंदर की तरफ आप करके 10 इंच पर हमें डाउन आना है। ये 3.5 ऊपर से हमें आना है 10 इंच पर। ये हमारा हो गया बस्ट पॉइंट। यहां से 3.5 ऊपर से 10 इंच फार्मूले के हिसाब से। अब हमें 3.5 पर ये रेखा लेनी है, 3.5 इस पॉइंट से, ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है, बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच नीचे ये बस्ट पॉइंट है और बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच नीचे हमने सीधी रेखा खींचनी है डॉट के लिए, जो हमारी साइड में डॉट होगी। अब डॉट के लिए यहां पर हमने ऐड किया है वेस्ट में 1 इंच, तो आधा आधा इंच की हम यहां पर डॉट का निशान लगाएंगे, आधा इंच इधर आधा इंच इधर, हमारा 1 इंच हो गया और इनको मिलाएंगे। जैसे हमने ये वाली डॉट ली है ऐसे ही हम बैक में डॉट लेंगे, यहां से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जितनी लेंथ है हमारी 4.5 इंच लंबी है लेंथ, या इसी फॉर्मूले से 10 इंच और 1.5 इंच आगे आना है और आधे आधे इंच की ही हमने इसमें भी डालनी है डॉट, क्योंकि हमने आधा आधा इंच ही ऐड किया है। ये हमारे बैक पार्ट है। अब इसमें यहां पर जो आर्म होल की डॉट लगी ये हमारी जो गोलाई है इसका हाफ करेंगे, इस पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। यहां से 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर आएंगे और ये निशान लगाएंगे, इस पॉइंट से 1.5 इंच का मार्जिन देंगे, 1.5 इंच का ही यहां पर देंगे और इन सभी डॉट्स को मिला देंगे। जैसे हम सिंपल ब्लाउज में डॉट डालते हैं सेम ऐसे ही यहां पर डॉट डालेंगे। हाई नेक ब्लाउज आप प्रिंसेस कट डॉट डाल के भी बना सकते हैं। ये फ्रंट है, ये सभी हमारी फ्रंट पार्ट में डॉट डल चुकी है, बैक पार्ट में डॉट डल चुकी है। बैक पार्ट हमारा ओपन होता है। अब जो मेन है हमने 3.5 इंच ऊपर जो फ्रंट पार्ट में लिया है ये, और ये हमने विड्थ ली है, विड्थ हमने लिया फार्मूले के अनुसार 3 इंच, ये हमने 3 इंच ली यहां पर, ये हमने 3 इंच विड्थ ली है, तो आधा इंच जमा करेंगे हम लेंथ के लिए 3.5 लेंगे, 3.5 ही हम ये एक डब्बे बॉक्स बना लेंगे, ये मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा होगा कपड़े पर कट करते वक्त, इसका हमारा जो हमारी बैंड बनती है पीछे की तरफ आती है वो तैयार होगी। ये विड्थ हमने जितनी हमने यहां नेक की रखी उतनी ही रखनी है, लेंथ हमने 3.5 इंच सिर्फ इसमें यही रखना है, जितनी विड्थ है हमारी 3 इंच 2.5 3.2 3.5 जितनी विड्थ है उससे आधा इंच लंबाई में ज्यादा लेना है इसके लिए। अब हम यहां पर स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। स्लीव हमारी लेंथ है 5 इंच। स्लीव निकालने का जो तरीका है
हाफ इंच है, सीम अलाउंस हाफ इंच, टर्निंग 1.5 या 1 इंच जितनी आप रखना चाहे रख सकते हैं, 5 एंड हाफ एंड 1.5, 7 लेंथ हमारे 7 इंच, विड्थ के लिए जितने हमारे आर्म होल होते हैं ये ध्यान रखना है, जितने हमारे फ्रंट पार्ट में या बैक पार्ट में दोनों के ही जो आर्म होल होते हैं उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं स्लीव आर्म होल के लिए। स्लीव विड्थ के लिए क्या करना है, आर्म होल जितने हमने लिए हैं उसमें 1 इंच प्लस करना है। आर्म होल हमने 7 इंच लिए थे, 1 इंच हमने यहां प्लस किया, 8 इंच स्लीव की विड्थ होगी। तो यहां पर हम स्लीव की लंबाई और चौड़ाई की निशान लगाएंगे फॉर्मूले के अनुसार, जो हमारी लेंथ निकली है उसी हिसाब से हम यहां पर निशान लगाएंगे। ये सभी निशान लगाने के बाद हमारी ये एक साइड से फोल्ड होती है और एक साइड से ओपन होती है, तो ये हमारी फुल लेंथ है स्लीव की फोल्ड साइड। और ये हमारी यहां से ओपन साइड है। अब हमें यहां पर शेप करनी है, शेप करने के लिए चेन डिवाइड बाय 12 प्लस 1 इंच, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 इंच प्लस 1 किया 4 इंच, 4 इंच डाउन आएंगे और ये यहां पर बैक आर्म होल की शेप देंगे स्लीव के लिए, यहां से पौना इंच अंदर आएंगे और ये फ्रंट आर्म होल की शेप होगी। बॉटम हमारी 10 इंच है, बॉटम के लिए बॉटम का हाफ प्लस 1 इंच या 1.5 आप कर सकते हैं, बॉटम का हाफ करेंगे 5 इंच प्लस 1.5 इज इक्वल टू 6.5 6.5 फोल्ड साइड से ओपन साइड की तरफ हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ये जो हमने डाउन किया है इससे मिलाएंगे ऐसे, ये हम 6.5 इंच, ये हमारी स्लीव है। बस हाई नेक ब्लाउज में इसी चीज का हमें ध्यान देना है, मेनली नेक का डिजाइन आप कोई भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मटका शेप दें, स्वीट हार्ट बना सकते हैं या जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। ये हमारी हाई नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई।